आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक में, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आए थे हम लोगों ने, स्टालिन के द्वारा जो बयान दिया गया था उस बयान की घोर के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए थे। और ये अक्सर देखा जाता है कि हर व्यक्ति हिंदू धर्म को मजाक बना के रख लिया है। हर फिल्मों में हिंदू धर्म के खिलाफ मजाक किया जाता है। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोग केवल इस कोई भी चीज़ को इस कारण वो कर देते हैं कि ये कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग इस चीज़ को मतलब टेक इट एज ग्रांटेड के हिसाब से ले लेते हैं और उसको इन लोग हमारी कमजोरी समझते हैं। पर अब इस कमजोरी में जो इन्होंने कहा था कि सनातन जैसे डेंगू के कीटाणु कोरोना के उसको जिस टाइप से ख़त्म किया जाता है उसी प्रकार से सनातन को ख़त्म कर देंगे, यह बात की हम घोर निंदा करते हैं। और हम लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का हम लोग अनुरोध करते हैं। किस पद में है जो लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं? ये स्टालिन जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये उनके सुपुत्र हैं जो कि वहाँ के क्रीड़ा और खेलकूद मंत्री, युवा खेलकूद मंत्री हैं जी। और ये बड़ी शर्म की बात है कि युवाओं को अच्छी दिशा दिखाना चाहिए और वो मंत्री महोदय युवाओं को ऐसी भ्रमित करने की दिशा दिखा रहे हैं जो कि मतलब जिससे आदमी और भ्रमित होगा और समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को मंत्री क्यों रखा गया है। केवल वो मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, इस कारण उनको मुख्यमंत्री पद मतलब मंत्री पद दिया गया है जबकि उनको उस तत्काल प्रभाव उनके खिलाफ उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ खुद उनको स्वयं मंत्री पद से हटा देना चाहिए और मंत्री पद से हटा के उनके खिलाफ तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए। अपना नाम? आपका नाम? मेरा नाम विहाग दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष सिंधु महासंघ। कार्यालय जबलपुर में उपस्थित हुए हैं हम लोग, विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी हैं। यहाँ आने का ये उद्देश्य है कि हम लोग सनातन धर्मी हैं और डीएमके नेता के पुत्र द्वारा, उदयनिधि स्टालिन के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा वायरस है उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे समुद्र का कोई ओर छोर नहीं होता, समुद्र का कोई किनारा ओर छोर नहीं होता, वैसा ही सनातन धर्म आदि काल से है और भगवान के साथ ही आया, उसको कभी नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे जिम्मेदार लोग जब ऐसे वचन कहेंगे तो लोगों में अशांति होगी और लाखों करोड़ों सनातनियों का अपमान है, उनकी धार्मिक आस्था का अपमान है। ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है ताकि समाज में समानता सामाजिक रास्ता बनी जाए। अपना नाम? मैं सीएल सेठी, प्रवक्ता विश्व हिंदू महासंघ जबलपुर। जी भैया, जो अभद्र टिप्पणी करी है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं और डीएमके नेता स्टालिन उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो सनातन धर्म के बारे में जो गलत टिप्पणी की गई है और मलेरिया वायरस, डेंगू वायरस, कोरोना वायरस से जो सनातन धर्म को मतलब की तुलना की गई है और वायरस मानकर उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इस टाइप के जो वक्तव्य कहे गए हैं इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसी के विरोध में हम लोगों ने एसपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में एफआईआर की मांग करी है और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू महासभा जबलपुर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनका कहना है कि कुछ डीएमके नेता स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध गलत टिप्पणी की गई है, ऐसा ज्ञापन इनने दिया है। हमने ये ज्ञापन ले लिया है, इसका हम विधि जो हमारे अधिकारी हैं उनका परीक्षण कराएंगे और अगर कोई कानून विरोधी बात इसमें है तो निश्चित रूप से इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी।